किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के ग्वाल पोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में भीड़ ने किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार के सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि मृतक थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए हुए थे बंगाल के पांतापाड़ा गांव में, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर खदेड़ा। वहीं थानाध्यक्ष को मौके पर पाकर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके उपरांत पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा थानाध्यक्ष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पहुंचे पूर्णिया आईजी सुरेश प्रसाद ने मामले की पुष्टि कर कहा कि ग्वाल पोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव की घटना मामले की जांच कर बंगाल पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी कर सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के निवासी और 94 बैच के इंस्पेक्टर थे अश्वनी कुमार। उन्होंने एक वर्ष पूर्व किशनगंज में टाउन थाना में पदस्थापित हुए थे। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को बढ़ते चोरी की घटना के उद्भेदन के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था और कल शुक्रवार को एसपी कुमार आशीष ने उन्हें वारंटियों को गिरफ्तारी करने का टास्क भी दिया। फिलहाल एसपी के अनुसार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, इसको क्या कहना है? जैसा कि आप लोग जानकारी होगी, हमारे किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज अश्वनी कुमार पांडीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांडीपाड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर हम लोग घायल भी हैं? नहीं, अभी तो उसकी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे, अभी तो यही। नहीं, हम लोग के यहाँ तो 2 टीम आई हुई थी और छापेमारी किया था लोगों ने। बंगाल पुलिस भी आ रही थी, थोड़ा सा पहुँची है, बंगाल पुलिस भी पहुँची, देखते हैं क्या। अभी पूरी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। सर वहाँ पर कोई टीएमसी या कोई पार्टी का मीटिंग? नहीं, कोई पार्टी मीटिंग हम लोग को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।